हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस करंट अफेयर सीरीज। गाइज, आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बिकॉज इस वीडियो में हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो वीडियो को पूरा देखेगा, लास्ट तक देखेगा, और वीडियो में जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उस जानकारी को याद करें, साथ में उसको नोट जरूर कर लिया करें, बिकॉज इस नोटेड जानकारी का जब आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिल जाती है। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर इंडियन वीमेन इन द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव में भारतीय महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र क्या रखी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 18 इयर्स, 19 इयर्स, 20 इयर्स या 21 इयर्स। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है 21 इयर्स। जी, यहाँ पे एक नया प्रस्ताव आया है यूनियन कैबिनेट के सामने और इस प्रस्ताव में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को प्रस्तावित किया गया है, वो भी 21 इयर्स, और इस प्रस्ताव को यूनियन कैबिनेट ने पास कर दिया है। राइट, तो इंपॉर्टेंट है, इसमें बाकी अपडेट्स अभी आना बाकी है, मतलब कि ये जो प्रस्ताव है वो कब संसद में रखा जाना है या इसको एक तरीके से कानून के रूप में कब स्वीकार किया जाएगा, कब कानून बनेगा, वो अभी बात की बात है, लेकिन इसमें जो भी अपडेट्स आती रहेगी वो डेफिनेटली मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको भी इसमें एक तरीके से अपडेटेड रहना पड़ेगा। और खास तौर पे इससे रिलेटेड जो और भी मतलब कि जो सोशल इश्यूज जो एक्ट्स हैं या खास तौर पे जो हिंदू विवाह एक्ट है, अधिनियम है, उसको भी आपको एक तरीके से सरसरी निगाह से जरूर देख लेना चाहिए, उसके टर्म में भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा के बना सकता है। राइट, मैं आपको बताऊं कि एक साल पहले अगस्त 2020 में, आपको याद भी होगा, अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान इस चीज को इंडिकेट किया था, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने बताया था कि शायद हमें लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को भी संशोधित करना पड़े। राइट, तो एक तरीके से अच्छी पहल है, यहाँ पे 21 इयर्स रखी गई है, यानी कि लड़कों की जो न्यूनतम एज है उस एज के बराबर इस एज को प्रस्तावित किया गया है। राइट, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि लड़कों की भी जो न्यूनतम विवाह आयु है वो 21 इयर्स है, यानी कि 21 साल है, और अभी तक महिलाओं के लिए जो एज है वो 18 इयर्स है, यानी कि 18 साल होने के बाद शादी कर सकती है लड़की। राइट, और मैं आपको बताऊं कि इस नए प्रस्ताव को आकार देने के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए या बकायदा इसके टर्म में कानून बनाने के लिए सरकार को बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और खास तौर पे हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। राइट, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि हिंदू विवाह जो अधिनियम है उस पर भी आप एक बार सरसरी निगाह जरूर मार लें, क्वेश्चन इसके टर्म में पूछा जा सकता है। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which renovated historical temple of Bangladesh has been inaugurated by President Ramnath Kovind recently? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश के किस पुनर्निर्मित ऐतिहासिक मंदिर का उद्घाटन किया है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, कटास राज मंदिर, श्री परमहंस जी महाराज मंदिर, पंज तीर्थ मंदिर या श्री रमन काली मंदिर। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे श्री रमन काली मंदिर, यानी कि श्री रमन काली टेम्पल। राइट, तो नाम अच्छे से याद कर लें, और यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस गिवन है, कटास राज टेम्पल्स, राइट, और श्री परमहंस जी महाराज मंदिर और पंज तीर्थ मंदिर, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, और खास बात ये है कि ये सारे के सारे टेम्पल्स पाकिस्तान में हैं। राइट, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन निकट में पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे श्री रमन काली टेम्पल के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि श्री रमन काली टेम्पल 1971 के युद्ध में मतलब एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सर्च लाइट, उस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना द्वारा मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था, और पाकिस्तानी सेना ने मंदिर में आग लगा दी थी जिससे भक्तों और वहाँ पे रहने वाले कई लोगों की जान चली गई थी। राइट, तो एक तरीके से इसको एक तरीके से हेरिटेज प्लेस के तौर पे रखा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, यही अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और बाकी जो मंदिर जो मैंने आपको बताया पाकिस्तान में है इनके भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state tops the category of large state in the recently released Basic Literacy and Numerical Index? हाल ही में जारी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या बिहार।
तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। जी, वेस्ट बंगाल को इस इंडेक्स में पहली रैंक मिली है। रैंक अच्छे से याद कर लें और स्टेट का नाम याद कर लें और इंडेक्स का भी नाम अच्छे से याद कर लें। किस इंडेक्स की बात हो रही है? बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल इंडेक्स की, राइट। और इसी श्रेणी में और इसी इंडेक्स में तमिलनाडु को सेकेंड रैंक मिली हुई है, ये भी रैंक आप याद कर लें। महाराष्ट्र को थर्ड रैंक मिली हुई है और बिहार को नाइन्थ रैंक मिली हुई है, राइट। तो ये रैंक अच्छे से याद कर लें और स्टेट्स का नाम याद कर लें। और यहाँ पे बात की जा रही है बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल इंडेक्स को, तो आप इसको डीप तरीके से पढ़ सकते हैं, इसमें डीप डाइविंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं कि यहाँ पे जैसे आप वर्ड देख पा रहे हैं बड़े राज्यों की श्रेणी में, तो मैं आपको बताऊं कि यह जो रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्सिंग है, वो कई श्रेणियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जैसे हम बात करें बड़े राज्यों की या छोटे राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की या उत्तर पूर्व राज्यों की, तो ये कुछ श्रेणियां हैं जिसमें इस इंडेक्स को परखा गया है, जांचा गया है और उसके बेसिस पे इंडेक्सिंग की गई है। तो अगर हम यहाँ पे बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में आप देख पा रहे हैं सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है वेस्ट बंगाल ने। वहीं पे अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में केरल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और झारखंड ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। वहीं पर अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, यानी कि उसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और लद्दाख का जो प्रदर्शन रहा है वो सबसे खराब रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है लक्षद्वीप का और सबसे खराब रहा है लद्दाख का, राइट। वहीं पे अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम सबसे पहले स्थान पर है और अरुणाचल प्रदेश सबसे अंतिम स्थान पे है, यानी कि सबसे खराब प्रदर्शन रहा है अरुणाचल प्रदेश का, राइट। तो इसको आप डीप डाइविंग इसमें कर सकते हैं, आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ढूंढ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक ड्राइवर इन फॉर्मूला वन टू बी अवॉर्डेड द टाइटल नाइटहुड फ्रॉम ब्रिटिश रॉयल्टी। ब्रिटिश राजघराने से नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित होने वाले फॉर्मूला वन के पहले अश्वेत चालक कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, मैक्स वर्स्टापेन, लुइस हैमिल्टन या वाल्टेरी बोटास या फर्नांडो अलोंसो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है लुइस हैमिल्टन, राइट। काफी फेमस नाम है और इसको आप याद कर लीजिए नाइटहुड के टर्म में, यानी कि इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं कि लुइस हैमिल्टन पहले अश्वेत ड्राइवर हैं जिनको ये उपाधि दी गई है, राइट। काफी इंपॉर्टेंट उपाधि होती है नाइटहुड की, मतलब कि ये उपाधि जो है नाइटहुड की उपाधि मिलने के बाद हैमिल्टन को सर की मानद उपाधि मिल गई है, राइट। मतलब उनके नाम के आगे सर जोड़ा जा सकता है, राइट। मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन के इस समय 36 वर्षीय हैमिल्टन के पास 103 रेस जीत का रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड के साथ इन्होंने जो इस फील्ड के जो मतलब कि दिग्गज हैं माइकल सुमाकर, उनकी बराबरी कर ली है। मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूला वन ड्राइविंग में रिकॉर्ड्स जो अब तक बने हैं उन रिकॉर्ड्स में से लुइस हैमिल्टन का भी एक रिकॉर्ड ही बन चुका है, 103 रेस जीत का रिकॉर्ड। तो इसको भी याद कर लें। वहीं अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो ये भी सारे के सारे जो नाम हैं वो फॉर्मूला वन ड्राइविंग से रिलेट करते हैं, यानी कि सारे के सारे फॉर्मूला वन ड्राइवर हैं, राइट। इनको भी आप पढ़ सकते हैं, इनके भी रिकॉर्ड्स को आप सर्च कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑनर ऑफ भूटान हैज बीन अवॉर्डेड टू प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भूटान के किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, नगदाग पायल जी खोरलो, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन या आमिर अमनुल्ला खान अवार्ड या किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है नगदाग पायल जी खोरलो, राइट। तो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, राइट। तो यहाँ पे सम्मान का नाम याद कर लें और कंट्री का नाम याद कर लें। और यहाँ पे जो अदर ऑप्शंस गिवन है बी सी डी, यानी कि रूल ऑफ निशानुद्दीन की अगर हम बात करें तो ये जो अवार्ड है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है मालदीव का, राइट। कहाँ का है? मालदीव का है। तो कंट्री का नाम भी आप अच्छे से याद कर लें और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के टर्म में है, राइट। तो रूल ऑफ निशानुद्दीन जो है वो मालदीव का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वहीं पे अगर हम बात करें अमीर अमनुल्ला खान अवार्ड की तो ये अफगानिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, राइट। कहाँ का है? अफगानिस्तान का।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अफगानिस्तान की बात अगर आई है तो अफगानिस्तान से रिलेटेड जो अभी करंट इश्यूज हुए हैं उन पे भी आप एक बार जरूर ससरी निगाह मार लीजिएगा, राइट। वहीं पे अगर हम बात करें किंग अहमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस की, तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बहरीन का, राइट। कहाँ का है? बहरीन का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये कंट्री का नाम याद कर लें और सिविलियन अवार्ड का नाम भी अच्छे से याद कर लें। और ये कहाँ का है, ये आपको मालूम है, भूटान का, राइट। तो कंट्री का नाम और उनके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम आप एटलीस्ट कम से कम, मतलब कि जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका तो आपको याद ही होना चाहिए। क्वेश्चन इसके टाइम में भी कई बार पूछा जा चुका है, राइट। ये आप जरूर याद कर लें, क्वेश्चन बन सकता है। और यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले प्रश्नों में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिल सकती है, राइट। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे भी आप हमको फॉलो करें, वहाँ पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, डिफरेंट फील्ड्स की करंट अफेयर्स दी जाती है, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप इसको आसानी से याद कर पाएँ और इसको नोट कर पाएँ, ताकि इस नोटेड जानकारी को एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जा पाएँ और इसकी हेल्प ले पाएँ, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, एंड थैंक यू।